जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू प्राग अकेडमी। मैं हूं राकेश सेठी। आपने न्यूज सुना होगा रवि कुमार दहिया जो इंडियन रेसलर है सेमीफाइनल मैच में जीते हैं बाय फॉल। ये फॉल क्या है? दीपक पुनिया ने सेमीफाइनल में हारे बाय टेक्निकल सुपीरियरिटी। ये टेक्निकल सुपीरियरिटी क्या है और रिपीट चार्ज क्या है? रेसलिंग में क्या क्या स्पोर्ट्स टर्मोलॉजी यूज किया जाता है और कैसे पॉइंट्स पाते हैं रेसलर, ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे एंड तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रेसलिंग को। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक 1896 में शामिल किया गया था। उस टाइम सिर्फ ग्रीको रोमन स्टाइल खेला जाता था। 8 साल बाद फ्री स्टाइल रेसलिंग को 1904 सेंट लुइस ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया। वेट, आप पूछोगे ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल फिर क्या है? तो देखिए, दोनों शैलियों का साथ समान है। दो एथलीट अपने प्रतिद्वंदी के दोनों कंधों को मैट यानी चटाई पर नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। ग्रीको रोमन पहलवान केवल अपने ऊपरी शरीर और बाहों को उपयोग कर सकते हैं, जबकि फ्री स्टाइल पहलवान अपने शरीर के किसी भी हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देन 2004 एथेंस ओलंपिक में वोमेन्स फ्री स्टाइल को ऐड किया गया था। आप जो इस मैट पे सर्कल देख रहे हैं, इसका डायमीटर 9 मीटर होता है। टोटल टाइम पीरियड होता है 6 मिनट का और 3 मिनट के बाद 30 सेकंड का ब्रेक दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जीतने के लिए एक पहलवान को अपने प्रतिद्वंदी के दोनों कंधों को 1 सेकंड के लिए चट्टाई से नीचे रखना होता है। एक कंधों को अगर नीचे रखेंगे तो फॉल नहीं होगा, इसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं सिर्फ, जिसके बाद मैच समाप्त तो होता है। इसको रेसलिंग में फॉल बोला जाता है। फॉल का मतलब ऐसे हिंदी में होता है गिरावट। ठीक है, अगर 6 मिनट में अगर कोई रेसलर फॉल नहीं कर पाते तो जिस प्रतिद्वंदी का ज्यादा पॉइंट होता है उसको विनर घोषणा किया जाता है। पॉइंट्स कैसे मिलता है वो भी बताऊंगा। आप देखे होंगे रवि कुमार दहिया जी का सेमीफाइनल में उनका 7 पॉइंट था, उनके प्रतिद्वंदी का 9 पॉइंट था, लेकिन लास्ट 50 सेकंड से भी कम टाइम बचा था। रवि कुमार ने अपने प्रतिद्वंदी कजाकिस्तान की दोनों कंधों को नीचे मैट पे लगा के रखा, देन बाय फॉल उनको विनर डिक्लेयर किया गया। अब देखिए टेक्निकल सुपीरियरिटी क्या है। एक पहलवान को अपने ओपोनेंट से 8 पॉइंट अंतर होना चाहिए। अगर आप 8 पॉइंट ज्यादा कर लेते हैं अपने प्रतिद्वंदी से तो वहीं पे मैच एंड किया जाता है, ये ग्रीको रोमन स्टाइल में। और फ्री स्टाइल में आपको अपने प्रतिद्वंदी का पॉइंट से आपको 10 पॉइंट ज्यादा करना चाहिए। टाइम चाहे एंड ना हो, मैच वहीं पे एंड किया जाता है। रेसलिंग में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट का सिस्टम है। प्रतिद्वंदी को 9 मीटर कंपटीशन सर्कल से बाहर ले जाने के लिए 1 पॉइंट प्रदान किया जाता है और एक टेकडाउन या प्रतिद्वंदी की पीठ को चटाई पर उजागर करने के लिए या फेंकने के लिए 2 पॉइंट मिलता है और खड़े होने पर प्रतिद्वंदी को फेंकने के लिए 4 पॉइंट और बाय थ्रो ऑफ ग्रैंड एम्पलीट्यूड मतलब भव्य आयाम से फेंकने से 5 पॉइंट मिलता है। इसका मतलब है कि एक ऐसा थ्रो जिसमें एक पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को चटाई से बाहर लेता है और उसे कंट्रोल करता है ताकि उसके पैर सीधे उसके हेड के ऊपर जा सके, देन उसको फेंकता है तो 5 पॉइंट लिया जाता है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। और एक इम्पोर्टेंट है रिपी चार्ज। ये रिपी चार्ज रूल के वजह से हमारे साक्षी मलिक सुशील कुमार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जो पहलवान क्वार्टर फाइनल में जीत गए हैं वो गए सेमीफाइनल को और सेमीफाइनल में जो हार गए वो खेलेंगे रिपीपेज मैच से जो जीत कर आते हैं। जो पहलवान क्वार्टर फाइनल में हारते हैं उनको और एक मैच दिया जाता है खेलने के लिए। जो क्वार्टर फाइनल में हारते हैं उनके बीच मैच होता है और जो विन करते हैं वो डायरेक्टली जाता है ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए इसके साथ, ना जो सेमीफाइनल में हारते हैं उनके साथ। रिपीचार्ज मैच दो होता है इसलिए दो सेमीफाइनल होता है। 102 एथलीट को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल, और 2 एथलीट को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। अंशु मलिक जो फीमेल रेसलर है उनके पास एक मौका है और रिपीचार्ज से मैच जीतकर भी ब्रॉन्ज मेडल ला सकते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का फाउंडर कौन है। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, मैं इसका सही आंसर इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालूंगा और टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। आशा करता हूँ आप आज का टॉपिक समझे होंगे और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।